सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज है 15 अगस्त, तो स्टार्ट करते हैं आज की मॉर्निंग से व्लॉग। सो गाइस, देखिए मेरी फ्रेंड किसी की गाड़ी पे से झंडा लेके आ रही है तो मैंने सोचा ये कैप्चर कर लेते हैं, सीन देखने वाला है। देखो जल्दी जल्दी देखो 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 ये खिलाते हो, बेहोश हो गई है, थक चुकी है। ये देखिए, झंडा नहीं निकल रहा है, चोर खिलाई जाएगी, चोरी पकड़ी जाएगी। जल्दी जल्दी कैची दो ये कैची का इंतजाम करते हुए जल्दी किक लाओ 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 झंडा ये हमने झंडा कर लिया है चोरी। ये हम हमारे देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम हमारा झंडा भी चोरी कर सकते हैं। तो ये कितना लहरा रहा है, ये देखिए हमारा झंडा कैसे लहरा रहा है। अब हम इसको पूरे जयपुर में लेके घूमेंगे और वो हमारे चोर खाएंगे। हमारे चोर, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो चोर भी आ रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, आज कितने झंडे ही झंडे लहरा रहे हैं। ये ले लो पैसे दे के ले लो। ये हमारी फ्रेंड पुलिस वालों से बहस करती हुई, ये हम अंदर ही नहीं जाने देंगे। छोड़ के आ जाओ कोई, अरे ये पेशेंट। चलो तो अपन भी चलते हैं, आ जाएंगे वापस। पुलिस वाले को भी चावा दे दिया। ये तो यादगार वाले। गाइस, हम आ गए हैं यहाँ पर अल्बर्ट हॉल और यहाँ पर हम आज का अपना व्लॉग शूट करेंगे। मेरा फोन मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के फोन से शूट कर रही हूँ और मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे अपना फोन दे दिया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर आज कैलाश खेर भी आएगा शाम को और ये कर रही हैं गाड़ी उठाने वालों से बात। जा रहे हैं ये अल्बर्ट हॉल में अंदर, बिकॉज 13 तारीख से 15 तारीख तक फ्री था। तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा 5-5, 10-10 मिनट सब कुछ देख लेते हैं। और आज मैं सीरियसली अपना फ़ोन लाना भूल गई, मेरा फ़ोन भाई के पास है तो मुझे अपनी फ्रेंड के फ़ोन से शूट करना पड़ रहा है। बट कोई ना, और हो सकता है ये मेरा 15 अगस्त वाला ब्लॉग भी थोड़ा लेट आए, लेट क्या काफ़ी ही लेट आएगा। चलिए अभी हम ले लेते हैं काउंटर से टिकट। अंदर यह वीडियो बना लाओ नहीं, फिर भी शूट कर रही हूँ। ये राजा महाराजाओं के कालीन बिस्तर, तो गाइस अभी हम आ गए हैं जंतर मंतर और यहाँ भी देखिए कितना क्राउड है, जहाँ जा रहे हैं वहीं क्राउड, क्योंकि आज 12-13 तारीख से फ्री है पूरा राजस्थान। अभी हम चलेंगे अंदर और उसके बाद आपको दिखाऊंगी थोड़ा बहुत। लेके चलते हैं
चुकी हूँ। अब जंतर मंतर के गेट से करते हैं हम एंट्री और यहाँ पर भी लग रही है लंबी लाइन। स्कूटर के तो ये गाइस हमने कर ली थी जंतर मंतर के अंदर एंट्री और यहाँ का क्राउड और यहाँ की बहुत ज़्यादा बेहद भीड़ देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे और हम यहाँ से भी हो जाएंगे रिटर्न। तो बस हमने यहाँ थोड़ा बहुत देखा और थोड़ा बहुत इधर से लेके इधर का राउंड लगाया और एग्ज़िट से हम वापस की ओर जाने लगे। बट यहाँ पर बहुत भीड़ थी, हमें पता था फ्री है लेकिन हमें ये नहीं पता था कि फ्री होने के साथ साथ इतना भी इतनी भीड़ मिलेगी, इतना क्राउड मिलेगा। तो बस ये देखिए थोड़ा बहुत जो शूट कर रही हूँ आपके लिए, ये देख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से रिटर्न घर पर और आपसे मिलते हैं अगली लोकेशन पर। घर तो नहीं जाएंगे, अगली लोकेशन पे जाएंगे। तो बस जंतर मंतर सब फ्री हो गए तो उसके पास ही में हमें देखा, पास में ही बिल्कुल हवा महल है। तो फिर हम हवा महल की साइड चले गए और यहाँ पर भी देखिए बेहद भीड़ है। ये मेरी फ्रेंड मौसम के अंदर आप देख सकते हैं, सबको बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। यहाँ बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पर। सो फ्रेंड देखिए हमने ये पूरा हवा मेल कर लिया है, कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद हम जाने की सोच रहे थे आगे एक, ये अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इस सर एक वॉच टावर है, बस वहीं जाएंगे, वहाँ जाके आपको पता चल जाएगा क्योंकि मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो चलिए वॉच टावर पर ही कौन सा वॉच टावर भूल गई। अभी हम जा रहे हैं ऊपर सरकसूरी, क्या नाम है इसका, सरकसूरी ईसर लॉर्ड आए हैं हम। यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अरे भाई सांस तो शादी के बाद मिलेगी, जो चोटी पकड़ पकड़ के मारी दुवारी वो वाली सांस मारनी चाहिए। ये वाले आज पूरी के तरह घूम रहे हैं, समझे नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर है ऊपर। तो गाइस मैं आपको लेके चलती हूँ थोड़े और ऊपर, ये देखिए कितना पतला रास्ता है और ये बिल्कुल, मैं बाहर से भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बना हुआ है। तो देखिए यहाँ छोटी छोटी खिड़कियाँ, जयपुर में इतने साल रहने के बाद मैं खुद यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। जा बेटा जा तुझे जल्दी पहले। और इतनी मेहनत और इतनी मुकशत के बाद हम पहुंच गए थे ऊपर। और ये देखिए आप ऊपर का नज़ारा। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी करती हूँ एंड। बाय बाय, आप मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।